हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से सीवर पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है पढ़ा और ब्रिक मेसोनरी के लिए पढ़ा, फिर हमने सर्कुलर सीवर और रेक्टेंगुलर सीवर के बारे में, और फिर हमने पढ़ा अंडाकार सीवर के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करते हैं फिर से कंक्रीट की मेसोनरी में। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले लगातार वीडियोस में हम लोग उसको प्लेस करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको इसको बना दें। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो खींचते हैं एक लाइन ऐसे। ठीक, कंक्रीट मशीनरी का बनाई नहीं है तो मैं पहले बनाता हूँ, फिर बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा और क्या है। जैसे ब्रिक लगाए तो पिछले वाले में उसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा देखते हैं, जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं कि इसे लिया जाए क्या। ये
भी हमारा मान लीजिए ठीक। अब इसके बाद इसी के ऊपर एक और हम डिप्पा मेजर भी लगाएंगे ऐसे करके इधर से अब बचा ये तो हमारा हो गया फिगर नाम ठीक। अब हमको इसका करना है डिटेलिंग ठीक है। तो अब हमको इसका डिटेलिंग करना है, तब तक आप इसको बनाइए फिर हम डिटेलिंग करते हैं ठीक।
अब हमको इसका डिटेलिंग करना है, तब तक आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम इसका डिटेलिंग कर दें, फिर उसके बाद आप उसको बनाएंगे। तो चलिए डिटेलिंग करना शुरू किया जाए। ये वाला क्वेश्चन है, सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में रखते हैं। फिर उसके बाद सब कुछ सेंटीमीटर में है और डायमेंशंस इन सेंटीमीटर, ठीक। और डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर मतलब जितना भी डेटा हम बना रहे हैं सारा कुछ सेंटीमीटर में है, मतलब नीचे का जो फाउंडेशन का जो ये पोर्शन होगा दिस विल बी 58 सेंटीमीटर एंड द ग्रुप पार्ट इज ऑफ 37 सेंटीमीटर, मतलब ये जितना पार्ट यहाँ पे प्रूव किया गया है या फिलेट किया गया है या चैम्फर किया गया है ये पार्ट हमारा 37 का है। सपोज कर लीजिए कि 57 का ब्लॉक, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, दोनों साथ साथ चल रहे और 3, 3, 6, 7 74 और 8, 12, 12, 13, 132 132 का इसका पोर्शन जिसमें से 37 इधर से कट किया गया, 37 इधर से कट किया गया, 37 ऊपर से 37 इधर से कट करके इसको पीछे करके चैम्फर मार्क हो गया, जिसके बाद नीचे का पोर्शन जितना बचा उसको हमने बना दिया, ठीक। अब हम बनाते हैं ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा नहीं से सही करता हूँ। Thank you.
करते हैं अपने सर्किल की तरफ, मतलब जो सिंगल का हमारा डाया है उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए डाया हमारा कितना है, यहाँ से लेंगे ये टोटल कितना डाया है 75 एरो, फिर अब यहां से देखिए यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है, कितनी है 14 सेंटीमीटर है। और जो ऊपर का है ये हमारा कितना है, कितना है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ इसको मैं बाहर लेता हूँ, आप जब बनाएंगे तो अंदर बड़े बड़ा बनेगा। यहाँ पे है 12 एमएम का, 12 एमएम का कॉलर जॉइंट, कॉलर जॉइंट 12 एमएम का कॉलर जॉइंट है। फिर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे ये जो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है वो 1:2 का ये 10 सेंटीमीटर 1:2 सीमेंट। ठीक, फिर ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये का है स्पेशली मोल्डेड फर्स्ट क्लास ब्रिक लेड इन 1:3 सीमेंट। ये हमारा क्या है, स्पेशली मोल्डेड, मतलब ये जो सीमेंट का सॉरी ये जो ब्रिक है दिस विल बी मोल्डेड स्पेशली फॉर सीवर जॉइंट। ठीक, केवल और केवल सीवर को जॉइंट करने के लिए इसको मोल्ड किया गया है। तो स्पेशली मोल्डेड, स्पेशली मोल्डेड फर्स्ट क्लास भी लिख देंगे, क्योंकि हमने ऑल डायमेंशन सारे डायमेंशन का यहां से कंप्लीट
लेकिन 100 देते हैं तो कोई गलत नहीं है। 12 एमएम आप पास पर इसके अंदर के पोर्शन में कर दिए, ये हमारा टोटल हो गया। अब देखिए हमारा ये डाया 75 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर का ये डाया 75 डाया है, मतलब कि 5 मीटर के लिए है 75 ठीक। अगर हमको आर निकालना होगा तो आपको पता है कि d = 75 है, तो r = होगा d/2, दैट विल बी 75/2 और डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 37.5। हां 37.5 ठीक। तो हम क्या करेंगे 37.5 सेंटीमीटर को अपने सिलेक्टेड स्केल में सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमको स्केल बनाना होगा। स्केल विल बी चूजन बाय यू, स्केल स्केल आप चूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या करते हैं, स्केल चूज करने के बाद 37.5 को स्केल पे चेंज करेंगे। फिर यहां से हमने क्या किया, यहां से एक डायर खींचा। फिर अब यहां पे हमारा थिकनेस आपको अपने हिसाब से सोचना है कि ब्रिक का हम कितना लेते हैं थिकनेस 10, तो हमने क्या किया 10 थिकनेस लिया, 10 को स्केल पे चेंज करेंगे और यहां से एक और डायर खींचेंगे और फिर हाफ पोर्शन पे एक और डायर खींचेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बगल से लाइन खींचेंगे, यहां से नीचे आके यहां का जो एंगल होगा दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हम एक तिरछी लाइन ले आके सीवर के ऊपरी वाले पोर्शन पे लगा देंगे और यहां से भी एक 45 डिग्री का एंगल खींच के सीवर के ऊपरी वाले पोर्शन पे ले जाकर मिला देंगे ठीक। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे दोनों तरफ से और नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, यहां से 37 छोड़ देंगे और यहां से 37 छोड़ देंगे और फिर हम इस दूरी को मिला देंगे इधर और सेम 37 इधर छोड़ देंगे और 37 इधर छोड़ देंगे और इस दूरी को मिला देंगे इधर। ये दोनों दूरी आपस में एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए और आमने सामने कैसे पता चलेगा, इसके बराबर होनी चाहिए। द आउटर डायमेंशन ऑफ द सर्किल या आउटर डायमेंशन ऑफ द सीवर जो बॉटम का पोर्शन का होगा उसके बराबर हमारा ये वाला पोर्शन आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर पिंच साइज मिला देंगे और 58 सेंटीमीटर का एक लाइन किया। यहाँ से आपको बताएगा कि पूरा टोटल दूरी निकाल लीजिएगा, उस दूरी को बराबर बना लीजिएगा, फिर कट करके चैंथा मारेंगे। चैंथा क्या मारना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से जब तिरछा कट करते हैं तो इसको चैंथा कहते हैं और जब यहाँ पर ऐसे कट हो जाता है फिलेट कहा जाता है, राउंडेड शेप में, तो ये फिलेट होता है। हम चैंथा करेंगे और चैंथा करने के बाद यहाँ से इसको बना देंगे। तो ये हमारा हो गया सर्कुलर सेक्शन ऑफ सीवर। जो फिगर के नीचे लिखेंगे फिगर सर्कुलर सेक्शन ऑफ सीवर, सर्कुलर सेक्शन ऑफ सीवर ठीक। तो ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक, तो देखिए यही हमारा सीवर का पोर्शन था, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि क्या है कैसे है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को बनाइए और समझिए, पढ़िए। थैंक यू।